आज कयामत की रात है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से जो है, मैच के लिए दर्शकों का उत्साह उफान पर है। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला कल है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ आज से ही स्टेडियम के बाहर दिखाई दे रही है। मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। मैच देखने के लिए देश के तमाम इलाकों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी क्रिकेट प्रेमी इस वक्त मुंबई पहुंचे हैं। हर कोई भारत को तीसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले भारत को कल का ये अहम मुकाबला जीतना ही होगा। वर्ल्ड कप में भारत अपने तीसरे खिताब से अब बस दो कदम दूर है, लेकिन ये दो कदम छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। इन आखिरी दो कदमों पर डगमगाने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा रहती है। वैसे भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में भारत का रिकॉर्ड बहुत खास इन दिनों में नहीं रहा है। आईसीसी के टूर्नामेंट के आंकड़ों को देखें तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लीग मैचों में भारत की कामयाबी का प्रतिशत 86% रहा है। लीग मैचों में भारत ने 44 लीग मैच खेले हैं और 38 जीते हैं, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में भारत 9 में से 8 आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट दौर में बाहर हो गया, टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, यानी 89% मौकों पर भारत नाकाम रहा है। बस यही भारत के लिए असली चिंता की बात है। इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। भारत की जीत का रथ लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा है। टूर्नामेंट की हर टीम को भारत ने धूल चटाई है। सेमीफाइनल में जिस न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला है उसे भी लीग मैच में भारत धर्मशाला में हरा चुका है, लेकिन नॉकआउट दौर में न्यूजीलैंड एक बार फिर भारत की जीत के रास्ते में इस वक्त खड़ा हुआ है। 2019 में ठीक इसी मोड़ पर न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया था। उस वर्ल्ड कप में भी भारत ग्रुप स्टेज में सबसे ऊपर था और न्यूजीलैंड नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचा था। इस बार भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। हालांकि न्यूजीलैंड 5वें नंबर की टीम से 2 अंक अधिक हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंची है। अब देखना है कि इस बार ये कीवी टीम भारतीय शेरों के रास्ते में कितनी बाधा खड़ी करती है, क्या इस बार भारत उस इतिहास को दोहराने से रोक सकेगा। वैसे न्यूजीलैंड भारत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में बुरे सपने जैसा ही रहा है। आईसीसी मुकाबलों के पिछले 4 नॉकआउट मुकाबलों में चारों ही भारत ने न्यूजीलैंड से हारे हैं। भारत को यह ट्रेंड कल तोड़ना ही होगा। न्यूजीलैंड की टीम में भारतीय मूल के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र भारत के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में वो 9 मुकाबलों में 3 शतकों के साथ अब तक 565 रन बनाकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। भारत के खिलाफ लीग मैच में उन्होंने 75 रन बनाए थे। उधर गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर की स्पिन और ट्रेंट बोल्ट की तेज गेंदबाजी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे अब तक कागज और मैदान दोनों पर ही भारत की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब तक 594 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जिस वानखेड़े स्टेडियम में कल पहला सेमीफाइनल में खेला जाना है, 2011 में इसी स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बना था। और ये मत भूलिए वानखेड़े स्टेडियम कप्तान रोहित शर्मा का अपना होम ग्राउंड भी है। 2011 के उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं और लगातार अच्छा खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन उनके सामने क्रिकेट की क्या बिसात बिछाएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। बट देखिए, हमने पिछले 9 गेम में काफी उस चीज को हमने काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। पहले गेम से लेके लास्ट गेम जो अभी हमने खेला बैंगलोर में, लड़कों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस चीज को लेकर। हम लोग सिर्फ हमारे गेम के ऊपर फोकस कर रहे थे, हमें अच्छा क्रिकेट खेलना था, जो हमने किया। आगे भी दोनों मैच जो है हमारा ध्यान उसी चीज पे होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना है। क्योंकि देखिए, इंडिया में आप इंडियन क्रिकेटर हो तो चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो,
प्रेशर रहता ही है क्योंकि हर जगह से आपको एक ही आवाज सुनने में आता है कि मैच जीतना है, कल 100 रन बनाना है, 5 विकेट लेना है। तो ये जितने भी लड़के हैं, भले वो 200-250 मैच खेले हो या 5 या 10 मैच खेले हो, उनको हर ये चीज से गुजरना ही पड़ता है। We know it's going to be a really tough challenge. They're a side that's been playing extremely well, but we also know come finals time, everything sort of starts again, and you know, it's all about the day. So for us as a team, it's very much the focus on our cricket again. We've played some good cricket throughout. We've had a couple of narrow losses and a few wins along the way, which have put us in this position we were in. So we're excited at the challenge ahead. इन दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की इस टीम की भरपूर तारीफ की और कहा कि दुनिया की सबसे डिसिप्लिन टीम है, तभी वो अनोखे और अचंभे रिजल्ट पेश करती है। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी जानते हैं कि भारत इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। टीम इंडिया की ताकत पर एक सरसरी नजर अब डालते हैं। इस टूर्नामेंट में भारत इकलौती टीम है जिसने लीग के सभी 9 मैच जीते हैं। भारत की गेंदबाजी भी काफी धारदार रही है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 86 विकेट झटके हैं। भारतीय गेंदबाजों ने मैच के हर दौर में, यानी स्टार्ट हो, मध्यक्रम हो या फिर डेथ ओवर्स हो, विकेट हासिल किए हैं। आप कह सकते हैं कि भारत को जीत दिलाने में बॉलर्स का सबसे बड़ा हाथ है। भारत के सभी 11 खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में दिख रहे हैं। अक्सर होता यह है कि कुछ खिलाड़ी काफी देर तक क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन भारत के मामले में हर खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में अब तक खुद को साबित कर दिया है। लीग मैच में भारत धर्मशाला में न्यूजीलैंड को हरा चुका है। जानकारों के मुताबिक मुंबई का मौसम और पिच दोनों ही भारतीय टीम के बहुत अनुकूल है। हालांकि वानखेड़े में ही 2017 में न्यूजीलैंड भारत को वनडे में हरा चुका है। उस मैच में विराट कोहली के शतक के बावजूद भारत हार गया था। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर अब तक वही एक वनडे मैच खेला गया था। कल के मैच में टॉस की भी अहम भूमिका हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने भी मुकाबले भारत ने खेले हैं, उनमें भारत ने जब लक्ष्य का पीछा किया तो उसे जीत ज्यादा मिली है। लक्ष्य का पीछा करते हुए 60% मैचों यानी 18 मैचों में भारत जीता है, जबकि 40% मौकों पर भारत को हार मिली है, यानी 12 मुकाबलों में भारत हारा है। पहले बैटिंग कर भारत को हार ज्यादा मिली है। पहले बैटिंग कर 44% मौकों पर भारत जीता है, यानी 11 मैच जीत चुका है, जबकि 56% मौकों यानी 14 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। तो कल टॉस भी भारत के लिए काफी अहम साबित होगा, कम से कम ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टॉस को इंपॉर्टेंट कतई नहीं बताया है। इसके अलावा कल के मुकाबले में भारत का मजबूत पक्ष क्या है और क्या उसका कमजोर पक्ष रहेगा, इस पर हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सबा करीम। सबा करीम साहब, पहला सवाल सीधा आपसे कि कल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, भारतीय टीम का मजबूत पक्ष आपको क्या लगता है और क्या हमारा कमजोर पक्ष है? आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है भारत की बल्लेबाजी? टॉप ऑर्डर हमारा शानदार फॉर्म में है। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दी है टूर्नामेंट में, उसके साथ साथ विराट कोहली ने शतक जड़ा है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया है। उसके बाद नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की है। रविंद्र जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भारत की उनकी संतुलन है। गेंदबाजी हमारी बहुत अच्छी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी गेंदबाजी यूनिट जो है भारत का, इसके पहले भारतीय टीम में कभी भी नजर नहीं आया था। और इस टूर्नामेंट में भी भारत की जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे अच्छी है। इसमें पैनापन है, इसमें धार है, इसमें हर एक गेंदबाज के पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो क्षमता है विकेट लेने की, और अलग अलग फेजेस में विकेट लेने की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारतीय टीम का। कमजोरियां मुझे अभी तक कुछ नजर आई नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि जब बड़ा मैच आता है तो भारत ने वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, पर ये एक नई भारतीय टीम है। ये जब मैदान में उतरेगी मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहां पर मुझे लगता नहीं है कि पुरानी जो बातें हुई हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारत का, उसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही होगी। अब जमाना है आगे देखने का। भारत की तैयारी भी न्यूजीलैंड के विरुद्ध कुछ ऐसा ही होगी। नई भारतीय टीम है आपने कहा सभा, मैं आपको याद दिलाऊं 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत ने पहली बार जीता
तो आधे से अधिक ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे, और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता तो आधे से अधिक प्लेयर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बल्ला तब थामा नहीं होगा, यानी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला होगा। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा मैच है, न्यूजीलैंड का प्रदर्शन लगातार नॉकआउट्स में भारत के खिलाफ अच्छा रहा है, 19 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम इसी टीम से हारे थे, आपको क्या लगता है इस बार क्या न्यूजीलैंड हावी होगा? न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत ही मेहनती साइड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है इनके, ये तैयारी पूरी की पूरी करके आते हैं, इन्होंने हर एक भारत के प्लेयर्स के सामने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई होगी, उनके पास एक ऐसा कप्तान है केन विलियमसन जो मेरे विचार में इस समय तीनों फॉर्मेट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कप्तान है। उसकी जो टैक्टिकल जो स्ट्रैटेजी रहती है, जो टैक्टिक्स वो अपनाते हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। और ये एक ऐसी टीम है जिनके अंदर वो क्षमता है बड़े मैच जीतने की, और ये इसके पहले ये काम कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी काफी मजबूत है, कई ऐसे बैटर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने उतना ज्यादा नहीं सुना है, पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, चाहे वो डेविन कॉनवे हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, डैरल मिचेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, इस तरह के कई सारे बल्लेबाज हैं, टॉम लेथम है जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं, तो इनकी बल्लेबाजी जो है काफी तगड़ी है। गेंदबाजी इस समय मैट हेनरी टीम में शामिल नहीं है, पर मैट हेनरी की जगह पर टिम साउदी टीम में आ गए हैं, इसका मतलब है कि इनकी पेस बॉलिंग अटैक जो है वो मुझे बहुत ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है। मेरे विचार में इनकी स्ट्रेंथ इनकी बल्लेबाजी है, उसके साथ साथ इनकी पेस बॉलिंग अटैक है, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीनों जो है बहुत ही अहम कड़ी है इस न्यूजीलैंड टीम के लिए गेंदबाजी में। बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है, कल हारे तो 9 मैच जो जीते हैं वो सब जीरो हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे सभा यही है, टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जा रहा है, वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं देखने में जो पोस्ट मैच आते हैं, लेकिन कल के मैच में क्या दबाव होगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ न्यूजीलैंड टीम खेलती है, क्या भारत पर इसका दबाव होगा? देखिए, न्यूजीलैंड जब भी मैदान में उतरती है किसी भी प्रतियोगिता में, उनको हमेशा हम लोग अंडरडॉग्स ही कहते आते हैं, पर वो उनके अंदर इस प्रकार की क्षमता है कि बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया है बड़े बड़े मैचेस में, उसमें भारत भी शामिल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत इस समय फेवरेट है। जो इसके पहले जो मुकाबला हुआ था वहां पर कंडीशन अलग थे, वो मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो 2019 में या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, वहां पर जो विकेट बने हुए थे वो ज्यादा फेवरेबल थे न्यूजीलैंड के टीमर्स के लिए। यहाँ हालात जो है कुछ विभिन्न है, यहाँ के जो कंडीशन ज्यादा फेवर कर रहे हैं इस समय भारत को, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा मदद करते हैं यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी, और विकेट अगर धीमा रहता है वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, उसके साथ साथ हमारे जो पेस बॉलर्स हैं उनका फॉर्म काफी अच्छा है, तो फेवरेट जरूर है भारत, तो फेवरेट यहाँ पर सही कारण से है, और ये भारत का समय है कि उस ये जो फेवरेट टैग है जो भारत को दिया गया है उसको वो सही साबित करें। लेकिन सभा एक चीज बताइए, मिशेल सेटनर के बारे में क्या कहेंगे, जिसने हाईएस्ट विकेट लिए हैं, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, क्या कल भी उनका दबदबा रहेगा भारतीय बल्लेबाजों पर? हाँ, मिशेल सेटनर के पास अनुभव है, आपको याद होगा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, तो अगर विकेट टर्न करता है वहां पर उनको मालूम है किस गति के साथ उनको बॉलिंग करनी चाहिए, वो एक बहुत ही बुद्धिमान लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, उनके अंदर जो शैली है उसमें मिश्रण बहुत ज्यादा नजर आता है, गति का मिश्रण नजर आता है, उसके साथ साथ वो एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही बड़ी चुनौती मिशेल सेटनर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। पर भारत के लिए अच्छाई ये है कि भारत के पास कई ऐसे बैटर्स हैं जो स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छा खेलते हैं, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आते हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है स्पिनर्स के विरुद्ध, हमारे जो दो ओपनिंग बैटर्स हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये दोनों आक्रामक शैली के बैटर्स हैं, तो मुझे लगता है कि चुनौती जरूर है, पर भारतीय बल्लेबाज जो है तैयार है चुनौती को स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभा इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार उन्होंने ऐसा कहा कि 2 ही मैच तो और है, यानी वो कल का मैच जीतने को लेकर बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे कि 2 मैच तो और बाकी हैं, मैंने यानी वो पूरा वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी की ओर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन बड़े मुकाबलों में एक बात जो भारत के सामने बड़ी चुनौती बनी है वो है हार का डर। हार का ये डर क्या भारत के प्रदर्शन को बेहतर करेगा या उसे कमजोर करेगा? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कुशांगी रॉय बता रही हैं कि हार का यह डर किसी टीम के प्रदर्शन पर क्या असर डाल सकता है। भारत कमाल परफॉर्म करते हुए आ रहा है पिछले पूरे वर्ल्ड कप में,
सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग विक्ट्री डिजीज कहते हैं। सबसे पहले प्लेयर्स को ये अपने अंदर देखना पड़ेगा कि उनको विक्ट्री डिजीज का कोई सिम्टम तो फील नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन कम होने लगता है, जो एक जनरल प्लेयर्स में एक जो आग होती है, एक जो पैशन होता है जीतने के लिए, चाहे वो हो भी, जो हैबिचुअली प्लेयर्स में होने लगता है, कभी कभी एक मोटिवेशन लैक करने लगता है, बॉडी में एनर्जी लैक करने लगती है। तो सबसे पहले प्लेयर्स को अपने आप में ये एक किस्म का स्कैन करना पड़ेगा कि क्या उनको एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं। दूसरी चीज, क्योंकि न्यूजीलैंड से इनका मैच है, न्यूजीलैंड पहले चैलेंज दे चुकी है इंडिया की टीम को कुछ बार, हम लोगों को ये जरूर कोशिश करनी पड़ेगी, या इस पर्टिकुलर केस में प्लेयर्स को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने पास्ट विक्ट्रीज को, इंडिया जो अभी 9 मैचेस जीतते हुए आया है, और जो न्यूजीलैंड के साथ उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है पहले, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उसका प्रभाव ना पड़ने दें अपने करंट माइंडसेट पे। तो एक आइसोलेटेड तरीके से अगर वो लोग खेल पाए, एज फार एज आई अंडरस्टैंड और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोचेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं कैप्टन्स इन सारे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस या फिर अफेक्ट ना होने देने का टॉस से, क्योंकि हम लोग एक्चुअली दर्शकों के भी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, अगर हम लोग टॉस जीत जाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे इंडिया ने अपना पहला विकेट ले लिया, उसी किस्म की खुशी होती है, और उसी किस्म का लॉस होता है, तो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आइसोलेटेड माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए, सिर्फ पास्ट को कंसिडर करना चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए और कुछ नहीं, उसी आइसोलेटेड तरीके से एक टॉस को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक टॉस से एक गेम कौन जीतेगा हारेगा कोई भी इंडिकेशन नहीं है एक टॉस, क्योंकि गेम कभी भी बदलता है। जाहिर तौर पर सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में इस वक्त मुंबई में जबरदस्त उत्साह है। मैच के सारे टिकट 2 घंटे के भीतर बिक गए। इस बीच टिकट ब्लैक करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को भी आज गिरफ्तार किया। मैच को लेकर उत्साह को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मेरे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के लिए वानखेड़े स्टेडियम तैयार है। सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से लोग अब टिकट हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। मुंबई पुलिस ने टिकट के लिए लोगों को ठगने के आरोप में 2 लोग, आकाश कोठारी और रोशन गुरबख्शानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम रोशन संजय गुरबख्शानी है। उसके पास से 2 सेमीफाइनल की टिकट हमें मिली है। उन 2 टिकट को उसने, एक टिकट का 1,20,000 के रेट से वो टिकट बेचने की कोशिश की थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच 21 नवंबर को हुआ था, उसके भी 4 टिकट उसके पास से पाए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद स्टेडियम का दौरा किया। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो पुलिस की बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। जो जानकारी मिल रही है कि 120 के करीब अधिकारी रहेंगे सुरक्षा में तैनात, 600 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा SRPF की कंपनी भी यहां पर लगाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम भी यहां पर लगाई गई है, और सभी से कहा गया है कि मैच जो है वो भले 2 बजे शुरू होगा, लेकिन जो एंट्री है वो सुबह 11:30 बजे से ही खोल दिए जाएंगे। ऐसे जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, सभी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों को स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई भी सामान, पानी की बोतल, पावर बैंक या जल सकने वाला कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि सिक्के, कलम और पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। कल फेस्ट सेमीफाइनल के लिए जो वानखेड़े स्टेडियम में है, उसके लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है। उसके लिए हर इम्पोर्टेंट जो हमारे जंक्शन है वहाँ पर बैरिकेड्स है। उसके साथ साथ जो स्टेडियम के जो एंट्री पॉइंट है, आजू बाजू के रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अच्छा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके साथ साथ पूरा AS चेक का पूरा सिस्टम हम लोगों ने इसमें किया है, और जो अंदर आने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी फ्रिस्किंग और चेकिंग के साथ साथ नियोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमने प्रॉपर साइनेजेस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हमारा जो स्पेशलाइज यूनिट है उनका सभी का डिप्लॉयमेंट इसके अंदर किया है। सेमीफाइनल मैच को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारत की जीत का भरोसा भी। जी, हम
मैच के इतने दीवाने हैं कि आज ही चले हैं, सोचे क्या पता विराट कोहली या कुछ हमको दिख जाए प्रैक्टिस के, मतलब बस दिख जाए जाते हुए, तो हम बस आए हैं देखने के लिए यहाँ का नज़ारा कैसे है। वैसे इंडिया चाहे कल पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंडिया जीतेगी। जीतेगी जी, कल का मैच एकदम फाइट है, अच्छा है, इंडिया ही जीतेगा। वर्ल्ड कप भी ले जाएगी इंडिया कन्फर्म, इसमें सोचने की बात नहीं है। अपनी टीम एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय, बॉलिंग फील्डिंग जिधर भी देखो साफ बनी है, इसीलिए इस बार इंडिया। अभी तक की मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, इसलिए हर हिंदुस्तानी को इस बार उम्मीद नहीं भरोसा भी है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल का ये सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेला जाना है और उसके बाद अगर भारतीय टीम जीती तो फाइनल अहमदाबाद में होगा।